हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिंकी शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगी समथिंग डिफरेंट, जो रेगुलर टॉपिक्स होते हैं उसके अलग, जो लेडीज रहती हैं इंडियन वुमेन्स, उनके लिए सिंदूर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है, से एज आफ्टर मैरिज। बट आजकल गर्ल्स अवॉइड करती है ड्यू टू फैशन, तो गर्ल्स अवॉइड कर देती है, सिर्फ कोई ओकेशन होता है उसी दिन सोचती हैं कि हम सिंदूर अप्लाई करें, वरना हम सिंदूर नहीं लगाएं। बट सिंदूर लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो ट्राई करो कि बेशक छोटा सा बट अप्लाई जरूर करो, बिकॉज सिंदूर हमेशा हस्बैंड को इफेक्ट करता है। सो कुछ भी कर लो बट छोटा सा सिंदूर अप्लाई करो, बट अप्लाई करो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बारिश का सीजन है या गर्मी के सीजन में, काफी टाइम ऐसा हो जाता है कि हमारा सिंदूर जब हम अप्लाई कर लेते हैं तब तो स्टेबल रहता है, बट आफ्टर सम टाइम वो स्वेट की वजह से यहाँ वहां स्प्रेड हो जाता है। तो मेनी टाइम्स जो लेडीज हैं वो क्या करती हैं, जब नहाकर आते हैं हम वही टाइम पे जब हमारा फोरहेड वेट रहता है, डायरेक्टली तभी सिंदूर अप्लाई कर लेते हैं ताकि वो सिंदूर स्टिक हो जाता है, तो वो यहाँ वहां नहीं होता है, तो वो एज इट इज रहता है। और काफी टाइम जब आप अप्लाई कर रहे होते हो रेगुलर रेडी होने के बाद, तो थोड़ा सा कोई भी फिंगर पे वाटर को डिप करो, ऐसे फिंगर को उसको यहाँ पे थोड़ा अप्लाई करो और फिर सिंदूर लगाओ। कभी भी सिंदूर आप कॉम का जो बैक रहता है वहां से अप्लाई कर सकते हो, या सिंदूर के साथ में एक स्टिक आती है आप वो स्टिक के साथ भी यूज कर सकते हो। तो मैं तो वेल हाथ से लगा लेती हूँ सिंदूर, मैं फिंगर से ही अप्लाई करती हूँ सिंदूर। मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अभी सिंदूर हैं, जो ये डिब्बी वाला सिंदूर है इसको तो मैं फिंगर से अप्लाई कर लेती हूँ, और ये वाला एक पेंसिल वाला सिंदूर है जो कुछ ऐसा है, देख सकते हो ये थोड़ा सा लाइट रहता है, तो मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं है। ये मैं तब अप्लाई करती हूँ जब मैं कोई वाटर पार्क या कहीं पे जा रही हूँ, और ये सिंदूर है ये मेरा फेवरेट है, इसको मैं अप्लाई करती हूँ जब मैं कोई पार्टी या कहीं पे ओकेशन पे जा रही होती हूँ, बिकॉज इसके अंदर एक शिमर रहती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका कलर काफी अच्छा है। सो ये तो बियॉन्ड कलर सबकी बात हो गई। तो ये तीन डिफरेंट डिफरेंट और ऐसे टाइप के और भी सिंदूर आते हैं, तो हर कास्ट में अलग अलग टाइप के आप सिंदूर फॉलो करते हो, बट कभी भी ट्राई करो जब आप अपनी मांग भर रहे हो, तो कम से कम आपकी मांग जितनी आप बड़ी भर सकते हो उतनी भरो, मतलब मिडिल पार्टीशन करो और फिर मांग भरो। कभी भी काफी लेडीज होती हैं जो फैशन के लिए इस साइड में या इस साइड में मांग भरती है, रिचुअल्स में अगर देखेंगे तो ऐसा बोलते हैं अगर हम इस साइड में या इस साइड में मांग भरते हैं तो जो हमारे हस्बैंड है उनसे हमारा डिस्टेंस होता जाता है, तो हम लोग एक दूसरे से डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं। तो इस रीजन से कभी भी ट्राई करो कि आप मांग बीच में भरो और यहां यहां नहीं भरनी चाहिए आपको। तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आई गेस मुझसे ज्यादा काफी जो बड़े हैं उनको भी पता होगी, बट वेल मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने वो शेयर की है, बिकॉज आजकल की जनरेशन में शायद ये इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं होती है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।